हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले में जयपुर से आई भारतीय मानक ब्यूरो की दो अलग अलग टीमों ने शहरों की अलग अलग हॉल मार्किंग सेंटर पर छापेमारी करते हुए सोने शुद्धता की जांच करने के साथ ही दस्तावेजों की जांच। टीम के साथ में कोतवाली के पुलिस जाप्ता भी तैनात रहे। सेंटर से सोने के आभूषण, कागजात सहित सामानों को जब्त किया गया है। वहीं ज्वेलर्स मार्केट में हड़कंप मच गया। टीम ने शहर के बाड़मेर हॉल मार्किंग में करीब 4 घंटे तक कार्रवाई की। टीम की सूचना पर ज्वेलर्स की दुकानों पर हड़कंप मचा और ज्वेलर्स मार्केट एक एक कर बंद हो गया। पूरा मामला कुछ इस तरह है कि भारतीय मानक ब्यूरो BSI को शिकायत मिल रही थी कि जिले में सोने के आभूषणों पर फर्जी तरीके से निम्न क्वालिटी कैरेट पर उच्च क्वालिटी का हॉलमार्क लगा रखा है। बुधवार को जयपुर से आई अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगह छापेमारी कर हॉलमार्क की जाँच की। वहीं एक दुकान पर हॉलमार्किंग का लाइसेंस नहीं होने और बिना हॉलमार्क आभूषण बेचते पाए जाने पर कुछ आभूषण भी टीम ने जब्त किए हैं। वहीं सुभाष चौक बाड़मेर हॉलमार्किंग के नाम से संचालित सेंटर पर दूसरी टीम ने छापेमारी की। करीब 4 घंटे तक इस कार्रवाई चलती रही। इस दौरान टीम के लिए चाय, जूस भी सेंटर कर्मचारी ले जाते दिखे। लोगों को ठगा जा रहा है। गौरतलब है कि हॉलमार्किंग सेंटर कम कैरेट के सोने के आभूषण पर ज्यादा कैरेट का हॉलमार्क लगाकर लोगों के रुपए ठग रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद जैसे ही ज्वेलर्स को पता लगा, एक एक कर दुकानों में काम करने वाले ज्वेलर गायब हो गए। एक साथ ज्वेलर्स मार्केट बंद होने के बाद लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया। हॉलमार्किंग सेंटर के बाहर एड्रेस कहीं और का। सुभाष चौक स्थित बाड़मेर हॉलमार्किंग सेंटर के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। वह उदयन स्कूल के पास बलदेव नगर बाड़मेर लिखा हुआ था और साथ में थार ज्वेलर्स लिखा था। एड्रेस अलग जगह का हॉलमार्क सेंटर भी सुभाष चौक में संचालित किए जा रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।